मेरा करवा चौथ का गिफ्ट था। तो शर्मा के कहीं चला जाए ना। नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, जाने दे। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लॉग्स विद निशा। सो कल है करवा चौथ और आज मैं करवा चौथ के एक दिन पहले जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। शाम के 6 बज चुके हैं और ऑल दो मैं लेट हो गई हूँ। मैंने सोचा था कि 4 या 5 बजे तक चली जाऊँगी, बट बीच बीच में दिवाली की सफाई भी चल रही है तो उस वजह से लेट हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ और मार्केट का हाल तो बस पूछो मत गाइज़। इतनी जद्दोजहद है मेहंदी लगाने की, इतनी भीड़ है कि ऐसा लग रहा है कि फ्री में लोग मेहंदी लगा रहे हैं। सभी लेडीज़ ने मेहंदी लगवा ली है, बस मैं ही लेट हो गई। मैं जिसको भी देख रही हूँ सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। सो गाइज ये है मार्केट का हाल और मैं सोच रही हूँ कि मैं किसके पास जाकर के पूछूँ जो जल्दी से मुझे मेहंदी लगा दे, क्योंकि सारा ही फुल दिख रहा है मुझे। आपने मेहंदी, आप तो बॉय हो। मैं अच्छा लगता है, लाइक इट। यू लाइक इट? हाय गाइस, इट्स मॉर्निंग टाइम, सुबह हो गई है। अभी सुबह के 9:30 के करीब हो रहे हैं और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। मेहंदी का रंग देखिए पूरी तरीके से आ गया है, बढ़िया सी मेहंदी का कलर आया है। रुको मैं दूसरा हाथ दिखाती हूँ। एंड गाइज हमारे यहाँ पे सर्गी नहीं होती है रात के 12 बजे से, जब से करवा चौथ की डेट लग गई है कल रात से, तब से मैंने पानी नहीं पिया। निर्जला फास्ट है, निर्जला व्रत है हमारा और हमारे में सर्गी नहीं चलती है, तो हम लोग ऐसे ही फास्ट रहते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट है, वो भी मेरे साथ फास्ट रखते हैं जब से हमारी शादी हुई है। सो आज सिर्फ अनवित का नाश्ता बनेगा, अनवित के लिए थोड़ा सा कुछ नाश्ता बनाऊंगी। मुझे अपनी मेहंदी दिखाओ, दिखा मुझे कैसा कलर आया है। शोमी दिखा 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 दिखा, शो मी शो मी शो मी, नीचे ऐसा करो दिखाओ। ये अनवित की मेहंदी भी रेड हो गई, वाह कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। आपको तो नहीं आया है? मेरा भी आया है, सी नो डॉट योर। अरे यार आया है। तो आज हमारे यहाँ सारा ट्रेडिशनल खाना बनता है, कढ़ी चावल पूड़ी दही बड़े, ये तो मैंडेटरी है बनना। अगर आप भी यूपी से हैं तो आप भी जानते होंगे, आपके यहाँ भी बनता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सो या ये चीज़ें बनाऊंगी मैं और अब तैयारी मैं शुरू करने जा रही हूँ, बिकॉज पूरा दिन इसी में लग जाता है एंड काफ़ी मेहनत भी हो जाती टू बी ऑनेस्ट निर्जला व्रत के साथ में इतना सारा तैयारी करना। बट इसका एक फ़ायदा भी है कि आपको पूरे दिन का पता नहीं चलता है, पूरे दिन भूख प्यास इनका पता भी नहीं चलता और दिन गुजर जाता है, फिर शाम में पूजा का टाइम हो जाता है। सो ये इसका प्लस पॉइंट है।
सो मैंने यहाँ पर दाल पीस के रख ली है, उड़द की दाल है ये, और उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसी से दही बड़े बनाए जाते हैं। पहले जो बड़े होते हैं उनको ऑयल में फ्राई करते हैं, डीप फ्राई, उसके बाद उनको दही में मिक्स करते हैं और तड़का लगाते हैं। जो दिल्ली NCR में है वो दही भल्ले उन ज़्यादा खाते हैं, बट हमारे कानपुर में, हमारे यूपी लखनऊ में तो दही बड़े का चलन है, और दही बड़े ही बहुत ज़्यादा हर त्यौहार पर पसंद किए जाते हैं। अभी मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं और पूजा के लिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाल ली हैं, और इसी तरह से दही बड़े जब बनाए थे तब भी छोटे छोटे बड़े निकाल लिए थे। मतलब जो भी मैं आज बनाऊँगी सबका छोटा छोटा सबको छोटे छोटे शेप में बनाऊँगी, उनसे ही पूजा की जाती है। जब पूड़ियाँ बनाऊँगी तो पूड़ियाँ भी छोटी छोटी पहले ही निकाल लूँगी पूजा के लिए। सो आज ये सारा पूजा का खाना बन गया है मेरा। सो जैसे हमारे यहाँ कढ़ी, पूड़ी, चावल और ये सारे खाना बनता है, वैसे कहीं कहीं पर दाल के फरे या भकोसे भी बनाए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। तो आप बताइए गाइस कि आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ कढ़ी से पूजा होती है, या फिर आपके यहाँ कढ़ी, पूड़ी, चावल वगैरह बनता है, या फिर दाल के भकोसे या दाल के फरे बनते हैं। आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस कि आपके यहाँ पर कैसे करवा चौथ की पूजा होती है। अब मैं यहाँ पर पनीर की ड्राई सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब मैं मटर पनीर की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर। सो अभी सारा खाना रेडी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने खुद भी, क्योंकि शाम हो चुकी है। सो या तैयारी करने जा रही हूँ अब मैं। अभी मैं यहाँ पर अपना करवा डेकोरेट कर रही हूँ। करवा सजाना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, कभी भी खाली करवे से पूजा नहीं की जाती है। तो मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ। आप रोली से भी सजा सकते हैं, ऐपन से भी सजा सकते हैं चावल के, या जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं। सो ये करवा मायके से आता है, मम्मी ने दिया था मेरी शादी का, जब फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था तब दिया था मम्मी ने। सो हाँ, इस तरह से ये पीतल के करवा होता है, उसको सजाया जाता है, पहले उसके हाथ जोड़े जाते हैं, उसके बाद खुद फिर मैं रंग लगा रही हूँ यहाँ पर, पैरों में आलता लगा रही हूँ महावर। सो हाँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिचुअल में, हमारे सारी चीज़ों में। तो अभी पूरा प्रॉपर 16 श्रृंगार करने वाली हूँ मैं। और ये जो पायल और बिछिया आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई हैं। जब मैं कानपुर गई थी अनवित के बर्थडे पर, तब मेरी सासू माँ ने मुझे ये दिलवाई थी। सो तब से मैंने ये रखी हुई थी कि नई मैं पहनूंगी करवा चौथ में, क्योंकि एक महीने बाद ही तो करवा चौथ था। सो हाँ, बड़ी प्यारी सी पायल है, डिज़ाइन बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे इस तरह की डिज़ाइन ही पसंद आती हैं। सो हाँ, बिल्कुल मेरी पसंद की डिज़ाइन है। मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है
गाइस मैं पूरी रेडी खड़ी हूँ और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश की पूछिए मत, एकदम मूसलाधार वाली बारिश हो रही है। और चांद कब निकलेगा, कब पूजा होगी, दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, मतलब बाहर के मौसम को देख करके तो लग ही नहीं रहा कि आज चांद दिखने वाला भी है, और कैसे पूजा होगी गॉड नोस। इतने सालों के करवा चौथ के फास्ट में ऐसा मौसम कभी नहीं रहा, बहुत ही भयानक वाली तूफान के साथ बारिश हो रही है। सडनली मौसम चेंज हो गया, 3 बजे तक कुछ भी नहीं था, 3 बजे के बाद से पहले बादल स्टार्ट हुए, तो मुझे लगा कि ठीक है शाम तक मौसम नॉर्मल हो जाएगा। बट अभी अचानक से जब एकदम पूजा का टाइम हो रहा है और एकदम से मौसम ऐसा हो गया, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पर मंदिर में अपने कथा करने, पूजा करने, उसके बाद देखते हैं कि चांद की पूजा कैसे होती है आज। बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है ये तो आज। स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में सदैव ही करने की प्रथा रही है। नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना। सो गाइस फाइनली पूजा हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं और मैंने पूजा अभी जस्ट करी। बारिश अभी भी हो रही है, चंद्रमा के निकलने का कोई आसार नहीं है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं कि चांद आज निकलेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज रात भर बारिश होने वाली है। काफ़ी देर तक हमने वेट किया, बट बहुत सारे लोगों ने बताया कि पंडित जी ने ऐसा बताया है कि आप पूर्व की तरफ देख करके और जो शिव जी ने चंद्रमा अपने सिर पर धारण किए हों उनको देख करके और चंद्रमा की फोटो या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप देख करके पूजा कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से मैंने भी किया, मैंने अपने घर कॉल किया अपने ससुराल में, तो मेरे देवर ने मुझे चंद्रमा दिखाया वीडियो कॉलिंग पर। और इसके अलावा हमने शिव जी की जो फोटो थी जिनमें उन्होंने चंद्रमा सिर पर धारण किया हुआ है उनको देख करके और चंद्रमा को वीडियो कॉलिंग के थ्रू देख करके हमने सारी पूजा करी आज और पूजा कंप्लीट करी। और थोड़ा सा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था, ऑब्वियसली इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअली
पूजा करी मैंने, उम्मीद तो थी कि शायद निकल आएगा। जैसे पिछले साल 11 बजे चंद्रमा निकला था, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मॉग था, बट इस बार कोई उम्मीद नहीं है कि चंद्रमा निकलेगा, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है और बारिश रुकी नहीं रही है। बारिश रुके तब तो एक उम्मीद भी हो कि चंद्रमा निकलेगा। सो इस बार हमने वर्चुअली पूजा करी, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, थोड़ा मुश्किल भी रहा, काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि ठीक से आप पूजा भी नहीं कर पा रहे हो, बालकनी में कम जगह होती है, छत पर ज़्यादा जगह होती है, आप अच्छे से पूजा कर पाते हो, तो ये सारी कुछ परेशानियाँ आई। बट आई थिंक ये सब परीक्षाएँ होती है, भगवान सब हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप कितना अपने आप को काम डाउन रख सकते हो इन सब सिचुएशन में, जब सिचुएशन आपके हाथ के बाहर हो। तो जब 8 बजे बारिश शुरू हुई तभी मैंने सोच लिया था कि अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इंतज़ार किया इतनी देर, इंतज़ार के बावजूद अभी तक बारिश नहीं रुकी, तो फाइनली हमने जिस विधि से पंडित जी ने बताया और जिस विधि से यहाँ की सारी लेडीज़ ने पूजा करी है दिल्ली NCR में, सब ने जिस तरह से पूजा करी उसी तरह से फाइनली अब मैंने भी पूजा कर ली है, व्रत खोल लिया है और अब हम डिनर करेंगे। सो एक ये इतने सालों में एक नया एक्सपीरियंस रहा करवा चौथ की पूजा का, और इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हुई। और तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आप क्या किस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाती है, क्या क्या बनाते हैं आप लोग और किस तरह से आप लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सो फाइनली मैं और मेरे हस्बैंड ने व्रत खोल लिया है, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए फास्ट रखा था, तो फाइनली अब हमारा पूजा और हमारी फास्ट कंप्लीट हुआ, अब हम डिनर करेंगे थोड़ी देर में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग, आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मोटे मेरा करवा चौथ का गिफ्ट तो दो, कब दोगे? कहाँ है ये गिफ्ट? कहाँ रखा, कहाँ पता नहीं, पूछो कहाँ जा। गिफ्ट भी मांग मांग के लेना पड़ता है ना, ये नहीं कि अपने आप से दो। ये मेरा गिफ्ट है करवा चौथ का, ये दिवाली गिफ्ट है। अनमित मुझे ये दे करके गया है कैंडल का बॉक्स, उसके हिसाब से ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है। सो मैं सरप्राइज हो जाऊं या शॉक्ड हो जाऊं, क्या लाया मेरे लिए? सो दिस इज माय, उल्टा दिख रहा है ये, सो दिस इज माय करवा चौथ गिफ्ट, डायमंड मंगलसूत्र है और ये इसका पेंडेंट है। इसके पेंडेंट की खास बात ये है गाइस, थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है, इसके पेंडेंट की खास बात ये है गाइस कि ये पेंडेंट है और ये नीचे का जो पेंडेंट है वो डिटैचेबल है, मतलब इसको आप चेन में भी पहन सकते हो लेटर ऑन, और ये पूरा भी ऐसा है, और ये इतना पार्ट जो है छोटा वाला ये अलग हो जाता है, कभी चेन वेन में पहनने का मन करे तो पहन सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मंगलसूत्र, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, चलो पहना दो अपने हाथों से। बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे, रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है, हक है।